हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरा गार्डन छोटा सा और ये बहुत ही सुंदर लगता है। ये सब कटिंग से ही तैयार किया हुआ अधिकतर पौधे इसमें, तो आप भी कर सकते हैं। बस मुझे 4 साल हो गए हैं ये गार्डन तैयार किए हुए। इसमें बहुत सारे फूल वाले पौधे हैं जो मैंने बहुत सारे कटिंग से भी तैयार किए हैं, कुछ बीज से ग्रो किए हैं। तो देखिए आपको किस तरह की कटिंग लगानी है। और अभी ये मौसम बहुत अच्छा है, सितंबर में अभी बारिश भी हो रही है, तो इससे कटिंग बहुत अच्छे से चल जाएगी। बस आपको बहुत जल्दी आपका गार्डन तैयार नहीं होता है कि आप सोचे कि आपने लगाई कटिंग और पौधे बहुत जल्दी से ग्रोथ हो जाएंगे। आपको साल भर इंतज़ार करना पड़ेगा इसे घना करने के लिए। तो देखिए इस तरह की कटिंग लें आप, बेल वाली ले या कोई सी भी, तो मोटी कटिंग लेना है आपको, और जहाँ से ब्राउन कटिंग होती है वो लेना है। ये देखिए पत्थर चट्टा के जो ये पौधे होते हैं, इनके एक पत्ता भी आप आड़ा रख देंगे तो उसमें बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। और ये देखिए अपराजिता की बेल, तो इसमें जो फलियाँ लगती है उसमें के अंदर जो बीज होते हैं ब्लैक कलर के, वो लगाएंगे तो उससे बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। और अगर आप कटिंग लेना चाहें तो ब्राउन और थोड़ी सी मोटी कटिंग लें, पेंसिल जितनी कटिंग ज़रूर लेना है आपको, थोड़ी सी मोटी, उससे आपकी कटिंग मरेगी नहीं और अच्छे से ग्रोथ होगी। तो आपको किसी भी तरह के पौधे की आप कटिंग ले सकते हैं और बहुत आसानी से चल जाती है कटिंग। पर आपको 5-6 कटिंग ज़रूर लेना है एक पौधे की, उससे अगर एक आध कटिंग मर भी जाती है तो एक आध तो चल ही जाती है। तो आप इसे मिट्टी में भी लगा सकते हैं और रेत में भी। ये देखिए नाग चंपा और चंपा की कटिंग ही भी मैंने लगाई थी और ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, उनमें फ्लावरिंग भी हो रही है। और ये देखिए नाग चंपा का की एक डाली टूट गई थी तो मैं इसमें लगाई है मिट्टी में, तो ये भी बहुत अच्छे से चल गई है और ग्रोथ होने लग गई है। और ये देखिए कलंजू के एक पौधे से मैंने कितने पौधे तैयार किए। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको किस तरह से कटिंग लगानी है। और अगर मेरी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। देखिए आपको एक एलोवेरा का पत्ता लेना है और इसमें आपको ये सब कटिंग डिप करके और रेत में लगाना है। आप चाहे तो मिट्टी में भी लगा सकते हैं, पर रेत में इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है कटिंग से पौधे ग्रो करने का। तो आप ये रेत जब भी लेते हैं तो उसे अच्छे से धो लें ताकि इसमें कोई फंगस वगैरह हो या फिर कोई की चींटियों के अंडे वगैरह हो तो वो सब ख़त्म हो जाते हैं। और फिर उसे अच्छे से सुखा करके रेत को और फिर उसे यूज़ करें। और देखिए मैंने एक टब लिया है जिसमें 6 देनी थी, उसमें इस कटिंग को लगाया है। तो आपको रेत को गीली करनी है, उसके बाद इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे होल कर ले किसी भी टूल की सहायता से और कटिंग लगाए, ताकि जो एलोवेरा जेल लगाते हैं वो पोस्ट इसमें लगा हुआ रहेगा और आप उससे रूटीन बहुत अच्छी होती है। तो इसमें जड़ें बहुत अच्छे से बनती है रेत में लगाते हैं। तो देखिए सब तरह की कटिंग मैंने रेत में भी लगाई है और मिट्टी में भी, आप दोनों तरह से लगा सकते हैं। और ये जो मनी प्लांट की कटिंग है, आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं मनी प्लांट को और रेत में भी और मिट्टी में भी, ये बहुत आसानी से चलता है। देखिए एक पत्ती से भी आप ग्रो कर सकते हैं, जब नॉट एरिया रहता है वहाँ से आपको आसपास से कट करना है और उसे जहाँ से ये नॉट निकली हुई दिखी उससे दबा दें मिट्टी में इस तरह से, तो इससे भी आप पौधे तैयार कर सकते हैं। तो आप एक कटिंग लेके आते हैं, उससे 4-5 कटिंग करके और आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, ताकि एक आध कभी मर भी जाती है तो आपकी एक आध तो चली जाएगी। और ये स्नेक प्लांट की कटिंग, स्नेक प्लांट को ग्रो करना बहुत आसान है। अगर पप से भी आपने एक पप ला के भी आप अलग से ग्रो कर सकते हैं, या फिर एक पत्ती भी मिल जाती है आपको तो उससे भी ग्रो कर सकते हैं। तो आपको एक पत्ती की 3-4 कटिंग करनी है और जिस साइड से आप कट करते हैं उसी साइड से आपको मिट्टी में या पानी में इसे ग्रो करना है। तो देखिए इसे टाइम ज़रूर लगता है, इसे 8 महीने हो गए हैं और ये अच्छे से ग्रोथ हो गई है, तो मैं इसे अलग पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। तो आप किसी भी पौधे के साथ लगा सकते हैं क्योंकि इसमें समय लगता है ग्रो होने में, कम से कम 4-5 महीने तो छोटा सा पप निकलता है इसमें। तो आप देखिए कितने अच्छे से ग्रो हुआ है।